So guys, this is my first international trip. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है तरुण नामदेव और काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आ चुका हूं एक और नया व्लॉग लेकर। तो इस वक्त हम हैं दुबई में और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है कि मैं घूमने आया हूं अपने दोस्त के साथ अतुल पारेख। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और गर्मी इतनी भयंकर वाली कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन आज हमने सोचा है कि हम जाने वाले हैं फरारी वर्ल्ड में और कहाँ पर जाने वाले। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। मैं आपको अपना एड्रेस बताना भूल गया कि मैं कहां पर रुका हूं। तो ये जो है यास प्लाजा है और मेरा होटल रेडिसन पार्क इन, वहां पर हम रुके हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर एक बस आने वाली है जिसको यास एक्सप्रेस कहते हैं, जिसमें बैठ कर हम जाने वाले हैं। ये तो हो गई प्रोफेशनल तरीके से बात। भाई गर्मी इतनी भयंकर है कि मेरी फटी जा रही है, मुझसे बोलने में नहीं आ रहा है। और सच बताऊँ ना, हालत ख़राब है। मैंने सोचा था कि आपसे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करूँगा लेकिन नहीं हो पाएगी यार। तो ठीक है, अभी जल्दी से बस आ जाए, उसमें बैठ के निकलना है क्योंकि 33 डिग्री है भाई। और अभी मुझे वीडियो भी बनाने हैं डांस के कुछ, तो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं इनडोर ही वीडियो बनाऊँ, आउटडोर ना बनाऊँ। So, okay, so we have arrived at Yas Mall. अंदर चल के देखते हैं कैसे क्या सीन होते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी भी कम तो अबू धाबी, वल्ला वल्ला। So दिस इज़ अ फरारी वर्ल्ड जिसमें हम अभी जाने वाले हैं। मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है इस कंट्री में ट्रेवल करने का और मुझे उम्मीद है कि जो भी कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर मुझे देख रहे होंगे उनका भी पहला एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। तो फीलिंग गुड वाली है, अच्छा लग रहा है। कम विथ मी, कम विथ मी, यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, कम विथ मी। सो इतना गर्मी है यहाँ पर दुबई में, इतना गर्मी में क्या बताऊँ। अरे साथ में चलो, साथ में चलते रहो, चलते चलते बात करेंगे। फरारी मैंने आज तक देखी नहीं है कभी ऐसे इन रियल लाइफ में, मूवीज़ में काफ़ी देखी है लेकिन आज पहली बार लाइफ में उसको देखने का मौका मिलेगा तो अच्छा लग रहा है। और भगवान की कृपा रही हनुमान जी की, तो एक दिन हम भी खरीदेंगे। बस आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, जिस तरह से आपने मुझे आगे बढ़ाया। मुझे कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं कभी दुबई भी आऊँगा या फिर मैं इंटरनेशनल कभी ट्रिप पे जाऊँगा। तो ये सब आपकी बदौलत है, आपकी वजह से हुआ है सब। सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। चलो अंदर चलते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इटालियन जोन। यहाँ पर क्या होता है मुझे मालूम नहीं, तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होने वाला है और आप मेरे साथ साथ देख रहे हो तो आपका भी होने वाला है। तो अंदर चलते ज़्यादा बातचीत ना करते हुए और पता करते हैं अंदर आखिर है क्या। सो गाइस, इटालियन क्या था वो इटालियन। तो गाइस हम इटालियन जोन गए, टर्बो ट्रैक पर गए और 2-3 जगह और गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं करते वीडियो बनाना। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता था कि वीडियो के थ्रू आप सभी को दिखाऊँ लेकिन क्या करूँ,
यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें भी मानने पड़ेंगे। तो इस बात का मुझे दुख है कि मैं आप सभी को दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं एक आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि ये जो आप ये कार देख रहे हैं पीछे, तो ये मैंने बुक कर दी। अभी मैं अभी उनसे रसीद ले लूँगा, 500 रुपये जमा करा दिए मैंने, तो मैंने अभी ये बुक कर दी और 35 तारीख तक मैं ये कार ले लूँगा। तो मैं पार्टी दे रहा हूँ काली पहाड़ी के पीछे, सबको आना है। और पूड़ी हलवा और छोले की सब्ज़ी बनाने का प्रोग्राम रखा है, तो ठीक है सबको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है सब आ जाना। रखो यार बस बहुत है। सो क्या बोलूँ, दुबई जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, पैसे उड़ाऊंगा। So, भाई देख लो फरारी वाले कपड़े भी बेचते हैं। अभी सारा ये करेंगे तो मैं क्या करूँगा, 5 साल बाद मैं अपना खुद का स्टोर खोलने वाला हूँ, तरुण के कपड़े। नहीं ऐसा गंदा नाम नहीं रखूँगा, अच्छा रखूँगा। फरारी वर्ल्ड के ठीक सामने ये एक मॉल है, इसका नाम क्या है मुझे याद नहीं, ना मुझे पता है। हाँ सो ये मॉल है, इसका नाम है यास मॉल। तो हमें एक सिम परचेज़ करना है क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यार। एक्चुअली मुझे अपने रील्स की वीडियो भी शूट करने हैं, वाईफाई यहाँ पर अच्छे से चल नहीं रहा है, उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो अभी जाकर हमें एक सिम परचेज़ करना है, देन हम कुछ रील्स के वीडियो शूट करेंगे और उसे अपनी प्रोफाइल पर अपलोड करेंगे, फिर बहुत सारे लाइक आएंगे, तो मुझे वही चाहिए। तो ठीक है जी, ये सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो मुझे चाहिए। मुझे एक शूज़ परचेस करना है जो कि है गोल्डन गूस का, आई होप कि वो यहाँ पर मिल जाए, अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर वो दुबई में तो मिल ही जाएगा। तो मुझे अपने बर्थडे के लिए उसको पहनना है, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि वो मिल जाए और मेरी साइज़ में मिल जाए। सो यहाँ पर सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे वेजिटेरियन फूड काफ़ी कम मिलता है, सो मैंने मंगवाया था एवोकाडो एंड टोमेटो टोस्ट। आधा खाने के बाद मुझे याद आया कि यार मुझे ब्लॉग भी बनाना था, सो चलो इसी बहाने ब्लॉग भी बन गया और आपको दिखा भी दिया। इसे शौक मत समझना, बस मैं चाहता था कि आप सभी मेरे साथ साथ देखें और आपको भी फील हो कि आप मेरे साथ ही हो। 7 बज रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है, मेरा व्रत था तो मैंने अभी खोल चुका हूँ अपना व्रत, इसके बाद अब मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ। देन अभी हमें जाना है बोरना ब्रदर, तो खुला होगा ना, आई होप सो, उम्मीद है कि खुला रहे ताकि वहाँ के भी दर्शन हो सकें। तो क्या बोल रहा था मैं, हम गए थे बोरनर ब्रदर्स लेकिन वो बंद हो चुका था, तो फिर से हम अपने होटल में आ गए और अभी बज रहे हैं शाम के 7:45। तो आज हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल के ब्लॉग में हम 2-3 जगह और नई जगह जाने वाले हैं, तो कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट में आपको मैं अपने होटल का व्यू दिखा देता हूँ, इधर बैडमिंटन चल रहा है और इधर स्विमिंग पूल है या फिर पूल जो भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे वीडियो तो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए। डिग्री चाहिए कुछ नहीं, अगर आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है तो
And God bless you. May you keep giving joy to everyone around you.